जय हिंद। बड़े ही दुख के साथ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि लद्दाख से एक बुरी खबर निकल करके आ रही है। घटना ये हुआ है कि हमारे आर्टिलरी के 8 सोल्जर और एक जेसीओ साहब, टोटल 9 आर्मी पर्सनल शहीद हो गए हैं एक एक्सीडेंट में। घटना ये हुआ है कि एक आर्मी ट्रक जिसमें कुल 10 पर्सनल मौजूद थे, वो लेह से होते हुए कैयारी की ओर जा रहे थे, लेकिन कैयारी टाउन से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर एक एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पर यह ट्रक स्लिप होकर के 30 से 40 फुट एक गहरी खाई में गिर जाती है। इस एक्सीडेंट के बाद 10 में से 8 सोल्जर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और 2 सोल्जर्स को बुरी हालत में हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन उनमें से भी एक सोल्जर की डेथ हो जाती है और उन 10 में से जो एक सोल्जर बचा है उनकी भी हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है। और ये घटना हुआ है शनिवार को शाम 6:45 में। लेफ्टिनेंट कर्नल PS सिंधु साहब ने यह बयान भी दिया है। पिछले साल ये घटना हुआ था नॉर्थ ईस्ट में, जहां पर इसी तरीके से आर्मी व्हीकल के एक्सीडेंट हमने देखा। वहां पर भी हमने अपने भाइयों को खोया, लेकिन इस बार फिर से बरसात के मौसम में ही पहाड़ी इलाके पर यह घटना दोबारा हमें देखने को मिलता है और बहुत ही दुख के साथ में यह घटना हमें आपको सुनाना पड़ रहा है। देखिए, पहाड़ी इलाके पर जितने भी लोग ड्यूटी किए हैं या फिर वहां पर रहते हैं, उनको यह पता होगा कि पहाड़ी इलाके पर जो बरसात का मौसम होता है वो सबसे ज्यादा डेंजरस मौसम होता है। उस मौसम में रोड्स, यहां तक कि पहाड़ियों में जो पैदल रोड्स होते हैं, वो भी इतना ज्यादा स्लिप करने लगता है कि गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बरसात के मौसम में रोड्स खराब भी होते हैं, विजिबिलिटी भी लो होता है पहाड़ी इलाकों के वजह से। अब हो सकता है गाड़ी स्लिप होकर के गहरी खाई में गिर गई हो, और इस तरह की घटनाओं को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा फेस कर रही है। कुछ दिन पहले अमरनाथ यात्रा पर सिक्योरिटी फोर्सेज में एक CRPF की गाड़ी जो है वो खाई में गिर गई थी, नदी में गिर गई थी। जो घटना घट चुका है उसको हम बदल तो नहीं सकते, जो माँ के गोद खाली हुए हैं उसको हम भर तो नहीं सकते, लेकिन भगवान हमारे देश के सोल्जर्स की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शक्ति दे ताकि वो इस भयानक परिस्थिति का सामना कर पाए। क्योंकि इस दुखद घटने में किसी ने अपना बेटा तो किसी ने अपनी भाई तो किसी ने अपना पति खोया है। उनके दर्द हम कम तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें सम्मान जरूर कर सकते हैं क्योंकि वो आज वहां पर तैनात थे सिर्फ हमारे लिए। बारिश का मौसम है, कड़कड़ाती हुई ठंड है, चाहे उमस भरी गर्मी है, हर मौसम में हर जगह पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस तैनात रहते हैं ताकि देश के भीतर आप और हम सुरक्षित रह सके। और हम देश के लोग ही जब इंडियन आर्मी को सम्मान नहीं देते हैं, रिटायर्ड फौजियों को रास्ते पर पीटा जाता है, तब भी ये देश चुप रहता है। सर प्लीज, इतना अपने दिल के अंदर इंसानियत रखिए क्योंकि हर दिन आप और हम सुरक्षित रह सके, हम परिवार वाले सुरक्षित रह सके, इसलिए वो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं और हर दिन अपने बलिदान देते हैं। सर, मेरे पास कोई भाषा नहीं है जो मैं शहीदों के परिवार से कह पाऊं। उनके माता जी को, उनके वाइफ को मेरा सतकोटि नमन। सर झुका करके मैं सलाम करता हूं उस माँ को, उस बीवी को जिन्होंने इस देश के लिए अपने बेटा, अपने पति का बलिदान दिया है, अपने बाप की बलिदान दी है। बहुत सारे लड़कों ने, हो सकता है वो मुझसे छोटे होंगे, लेकिन फिर भी उन्हें एक सैल्यूट मैं करना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।